मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आज 8 जून 2020 है और आज हमारे सबके परिवार में अभिषेक त्रिपाठी का जन्मदिन है। वैसे तो इनका जो जन्मदिन 27 जून को होता है, लेकिन तिथि के हिसाब से इस बार इनका जन्मदिन 8 जून को पड़ रहा है। तो इनकी प्यारी सी बहन निशा लिखती हैं कि राधे राधे जय श्री राधे। तो बेटी आपको भी राधे राधे जय श्री राधे। माँ जी, अभिषेक का 8 जून को जन्मदिन है, अर्थात आज जन्मदिन है उसका, तो उसके लिए हमने कुछ लिखा है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा था, आप लोग लिख कर देंगे और मैं उसे पढ़ूंगी। तो आज मैं निशा के शब्दों में ही निशा के भाई को अभिषेक को बधाई देना चाहूँगी। निशा आगे लिखती हैं, राधे राधे माँ, आषाढ़ मास की गणेश चतुर्थी के दिन श्री जगत नारायण और श्रीमती साधना त्रिपाठी के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम शुभम रखा। जो अपनी दोनों बहनें रश्मि निशा और जीजा अमित का दुलारा है, कुसुम माँ की आँखों का तारा है, ममता की माँ फैमिली की सभी बहनों का प्यारा भाई है, जो शायद उसे हमेशा हमसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं। बिल्कुल सही बात है। और सभी छोटे बड़े भाई उसे पसंद करते हैं। अभिषेक बहुत ही समझदार और विवेकशील बच्चा है, कभी भी मुश्किलों से घबराता नहीं, हमेशा उनका डटकर सामना करता है। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई के साथ भी न्याय करता है और आज उसका बीएड और टेट भी कंप्लीट हो गया। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे भी उसका मार्गदर्शन करें। माँ जी, अभिषेक के लिए एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है। अभिषेक, आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, गम आपसे कोसों दूर हो, जीवन में आप नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करें, हम बहनों और माता पिता का नाम रोशन करें, आपसे ही है उम्मीदें हमारी, आपसे ही है उम्मीदें हमारी, क्योंकि आप ही हो दुनिया हमारी। तुम जीवन में ऐसे नेक काम करना कि ईश्वर भी कहे तुम कितनी अद्भुत रचना हो हमारी। कभी किसी का दिल मत दुखाना, जितना हो सके जीवन में खुशियाँ बांटना, ईश्वर पर तुम सदा रखना विश्वास, क्योंकि वह कभी टूटने नहीं देगा तुम्हारी आस। तुम मेहनत लगन पर रखना विश्वास, कभी झूठ फरेब धोखा के ना जाना पास, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भरेंगे, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भरेंगे, तुम्हें वो सब देंगे जिसके तुम हकदार हो। अंत में मैं यही कहूँगी, अभिषेक तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो निशा बेटी, आपने बहुत ही सुंदर लिखा है और जो कुछ लिखा है आपके दिल की आवाज़ है और शायद इसे सभी लोग महसूस कर रहे होंगे। मेरा तो हृदय अत्यंत भाव विभोर हो गया और ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारी निशा बिटिया ने हमारा कहना माना। हमने कहा कि आप लोगों को कुछ लिखना है और इस बच्ची ने अपने भाई अभिषेक के लिए लिखा। तो मेरी लाडली बेटी, ईश्वर करे आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका एक एक वचन सत्य हो जाए। अभिषेक बेटा, बहुत ही खुश नसीब हैं आप, जिसे इतना अधिक प्यार करने वाली बहनें रश्मि और निशा मिली हैं, इतने प्यारे जिया जी अमित त्रिवेदी मिले हैं। तो मेरे लाडले, ये हकीकत है कि अभिषेक कुसुम माँ की आँखों का तारा है। भाई, इसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सब मुझे बेहद प्यारे हैं। कोई ये ना समझे कि मैं कम हूँ या ज़्यादा हूँ। तो अभिषेक वास्तव में मेरी आँखों का तारा है और जितने भी इस परिवार में बहनें जुड़ी हुई हैं सबका वो बेहद प्यारा है, क्योंकि अभिषेक वास्तव में बहुत अच्छा बच्चा है। हमें आज याद आ रहा है कि अभिषेक ने पहली कविता लिख के हमारे पास भेजी थी,
तो हमारे परिवार में दीपाली नाम की बच्ची थी जो कि अपने जीवन से बेहद निराश थी, और अभिषेक की कविता ने उसको इतना प्रोत्साहित किया, उसने इतनी जोश जगा दी, उसमें उसको इतना उत्साहित कर दिया कि जो जीने की आस छोड़ बैठी थी आज वो बहुत ही सुखमय जीवन बिता रही है। आज दीपाली ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, उसका चैनल भी है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि उसका BTC में नाम आ गया था लेकिन उसके भाई ने उसको जाने नहीं दिया। तो हम ये देखते ना कि बहनें तो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहनों के साथ भरपूर सहयोग करें। तो मेरे लाडले बच्चे, इसी तरह आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। मेरा रोम रोम आपको आशीर्वाद देता है बेटा, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे डियर अभिषेक। और इन्हीं शब्दों के साथ